नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। हमारा क्वेश्चन है, आर रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ प्योर इंडक्टेंस ऑफ 31.8 मिली हेनरी एंड द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, साइनसोइडल सप्लाई एज शोन बिलो। कैलकुलेट द सर्किट करंट एंड द फेज एंगल। यह है दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से, ये वोल्टेज अलोंग इंडक्टर और ये वोल्टेज अलोंग रेजिस्टर होगा और जो आर है वो 7 ओम है और इंडक्टेंस 31.8 मिली हेनरी है। तो दोस्तों इसका रिएक्टेंस निकालेंगे हम इंडक्टर का, कैसे निकालेंगे, 2 पाई FL, फ्रिक्वेंसी हमें 50 हर्ट दे रखी है और L 31.8 मिली हेनरी है, तो 10^-3 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा 10 ओम। और जो रेजिस्टेंस है 7 ओम का है दोस्तों, और इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो आप जानते हैं पाइथागोरस के जरिए, अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो करीब आ जाएगा आपका 12.2 ओम। यह आ गया आपका इम्पीडेंस और जो आपका करंट हो जाएगा दोस्तों, जो आपका ओम्स लॉ है V=IR या I=V/R, तो वही जो रेजिस्टेंस अब तक होता था अब हम इम्पीडेंस का उपयोग करेंगे I=V/Z। तो 100 वोल्ट डिवाइड बाई 12.2 ओम इक्वल टू 8.2 एम्पियर, ये आ गया हमारा करंट। और फेज एंगल जो है वो होता है दोस्तों 10 इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट जो होता है वो इंडक्टर और कैपेसिटर का वाई कंपोनेंट होता है यानी जे दोस्तों, और जो एक्स कंपोनेंट है वो रेजिस्टेंस का होता है, तो इसमें कैपेसिटेंस तो नहीं है, तो XL डिवाइड बाई आर, 10 इनवर्स 10/7 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 55.1 डिग्री। जो हमारा दोस्तों इंडक्टेंस होता है वो लैग कर देता है, लैगिंग इफेक्ट देता है वो, तो ये क्या है कि 55.1 डिग्री लैग कहिए आप, या फिर -55.1 डिग्री कहिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, फेज एंगल, इंडक्टर और रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में कर रहे हैं दोस्तों अभी हम, इसके बाद पैरेलल में भी करेंगे आगे। धन्यवाद।